जी आज की वीडियो हम बात करेंगे विंडो 12 के बारे में। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके, ठीक है। ये विंडो 12 का आपने खुद भी देखा होगा, काफ़ी टेक वेबसाइट्स पर विंडो 12 के बहुत सारी आर्टिकल्स आ रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रेलर इसका जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये 2023 में रिलीज़ कर दी जाएगी अक्टूबर में। किसी ने लिखा हुआ है 2025 में रिलीज़ कर दी जाएगी, किसी ने लिखा हुआ है ये इसी साल रिलीज़ कर दी जाएगी। अब पता नहीं कि इनमें से किसकी बात सच है, बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ ये इसके नाम के जो ट्रेलर चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो फेक हैं। अच्छा ये देखें, ये 2-3 महीने 3 महीने पहले की इनफैक्ट बात है, बल्कि 2-2.5 महीने पहले की बात देखें। ये देख सकते हैं 20 फरवरी, यहाँ से इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था सारा, कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ सोर्स एट माइक्रोसॉफ्ट विंडो 12 इज ऑलरेडी जी ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट। ये देख सकते हैं यहाँ इस ट्वीट से सारा मामला शुरू हुआ था लगभग 2.5 महीने पहले। तो फिर बाद में बहुत सारी वीडियोज़ आई, बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसका क्लेम किया कि ये वीडियो अभी रिलीज अभी विंडो 12 अभी रिलीज़ होने वाली है, अभी रिलीज़ होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अगर ये रिलीज़ हुई भी तो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होने का इम्कान है, क्योंकि विंडो 10 और जो विंडो 11 में गैप था वो बहुत ज़्यादा था। तो पॉसिबल है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ और नया करने के चक्कर में इसको जल्दी रिलीज़ कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ विंडो 11 का इतना खास इम्प्रेशन। मुझे नहीं लगा कि विंडो 11 विंडो 10 के बाद कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर फीचर्स आ गए, या बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचरिस्टिक उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, या बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा उड़ा के रख देने वाले फीचर कोई नहीं मुझे नज़र आए विंडो 11 के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई नज़र आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जी तो देख सकते हैं आप इसका लुक्स यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर इन्होंने यूट्यूब पर वीडियो ट्रेलर्स डाले हुए हैं वो सारे फेक है, वो 100% फेक है जितने भी ट्रेलर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसकी रिलीज़ डेट के बारे में फिर दोबारा बताता चलूँ, इसकी रिलीज़ डेट कुछ कन्फर्म नहीं है कि नेक्स्ट ईयर रिलीज़ कर दी जाए, बट इस साल तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि रिलीज़ की जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका इन्होंने जो ट्रेलर डाला हुआ है, यहाँ पर इन्होंने फोल्डर का भी अपडेट किया है, देख सकते हैं फोल्डर। देखें विंडोज विंडो मैसेज, ये देखें कॉन्टैक्ट टू अ बिलियन विंडोज पीसी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो कंप्लीट वॉच करा करें जब आप देखते हैं तो, ठीक है। और फिर दोबारा बताता चलूं कि रिलीज़ कब होगी, रिलीज़ होगी ये 2023 में आखिर में जाकर, अबाउट लीक एंड र्यूमर्स। और अब मैं अपनी थॉट्स बताऊं इस विंडो 12 के बारे में, मेरे ख्याल से विंडो 12 एटलीस्ट 2 साल तक रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विंडो 11 को भी चलने के लिए थोड़े तो मार्केट में टाइम चाहिए ना अपनी जगह बनाने के लिए विंडो 11 को। अब लेट्स सी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इसको कब रिलीज़ करता है, ये देख सकते हैं आप। और बात की जाए इस ट्वीट की, मैं एक बार बताना भूल गया, ये जो ट्वीट जिस बंदे ने किया था, ये ट्वीट चंद दिनों बाद इसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया, तो इस वजह से इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा हाइट मिली, लोगों ने दबा के रिट्वीट किया इसको और शेयर किया, उसके स्नैपशॉट खींच खींच के लोगों ने अपने ट्वीट किए, और वेबसाइट्स ने इसको पकड़ा, और वेबसाइट्स ने अपने आर्टिकल्स लिखे, यूट्यूब वालों ने अपने, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटरों ने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ बनाई। तो अब पता नहीं कि ये बिल्कुल फेक ट्वीट था या असल में बिल्कुल रियल ट्वीट था। अब मैं ये नहीं कह सकता जितनी वेबसाइट है वो सारी फेक न्यूज़ फैला रही हैं या दूसरी फेक चीज़ें कर रही हैं, बट पता नहीं, मुझे जितना मुझे पता था मैं बताने की कोशिश करी वीडियो में, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक पहुँच सके। और एक और बार फिर दोबारा बताता चलूँ, विंडो 12 का इस साल आने का कोई इरादा नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट अपसेट करेगा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो इस साल रिलीज़ कर दिया विंडो 12, वरना अदरवाइज बिल्कुल भी ना कोई तुक बनता है इसको रिलीज़ करने का, ना ही इसको कोई रिलीज़ करने का इनके पास रीजनेबल मौका मौजूद है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक्स।